गाइस, इट्स शिवांगी। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ। एंड वो बेल आइकन भी दबाना मत भूलना यार, प्लीज। एनीवे, मूविंग ऑन विद दिस वीडियो। मैं इतनी ज्यादा पक गई थी, बोर हो गई थी वही पकाऊ वीडियोस के साथ, एक्रेलिक पेंटिंग, क्ले आर्ट, एक्रेलिक पेंटिंग, क्ले आर्ट, कि मुझे लगा यार स्टॉप, इस चीज को ब्रेक लगना चाहिए। That's when I thought, क्यों ना मैं इस बार पॉस्का मार्कोस को यूज करके कुछ अमेजिंग चीजें बनाऊं। मतलब वो तो आगे वीडियो में पता चलेगा कि वो अमेजिंग बनती है कि नहीं। बट एनीवे, मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी पॉस्का मार्कोस को यूज नहीं किया, एंड मैंने कभी खरीदने की भी नहीं सोची थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगते थे, जो कि ये है भी अभी। मूविंग ऑन, लेट्स टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट माई नेल पेंट गाइस। पिंक व्हाइट, कितनी मेहनत लगी है इस पे। अब समय आ चुका है अपने पॉस्कास को यूज करने का। ला ला ला, ला ला। पहली बार है यार, कुछ आइडिया नहीं है क्या रूल्स है, क्या डूज एंड डोंट्स है, बट पॉप द बिल्डर करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ। I'll grab a white paper and let's see कि ये पेन्स वर्क कैसे करते हैं। अबे ये कलर देख रहे हो कैसे फ्लो कर रहा है भाई, ये चमत्कार है। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। यार ये अप्लाई करते हुए भी काफी ज्यादा स्मूथ है एंड थिक भी है। ओ गॉड, आई लव इट। अब मैं जल्दी से बाकी कलर्स को भी टेस्ट कर लूंगी। एंड एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी पॉस्का मार्कर्स की, विच इज आप डार्क कलर के ऊपर भी कोई लाइट मार्कर को यूज कर सकते हो। हाउ क्रेजी। I'm actually thinking of trying Posca markers on stone because I really wanted to see kya ye stone pe work karega ki nahi. But before that we'll apply a coat of gesso, kyunki gesso is important guys. Acha, ab main jaldi se coloring karna start kar dungi stone pe. First time main marker ko use kar rahi hu stone pe. Yahan main bana rahi hu ek basic sa pyara sa cute sa juice ka glass because it is good for our health guys and hame apni health ka dhyan rakhna padega. अब ये जो मैंने सेट लिया है इसमें काला और सफेद रंग है ही नहीं। अब आप बताओ क्या ये कोई सही बात है? नहीं ना, इसीलिए अब मैं अपने एक्रेलिक कलर्स को यूज करूंगी, क्योंकि मैं बिना ब्लैक एंड व्हाइट के नहीं रह सकती यार। काफी प्यारा लग रहा है ये, बट इसमें मैं वार्निश का एक कोट अप्लाई करूंगी एंड देन हो गया यार ये फाइनली। आप इसे पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन विद आवर नेक्स्ट पीस। यहाँ पे मेरे पास ना पुराना क्ले का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। जब भी मैं क्ले से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ तब ऑफकोर्स थोड़ा सा मेरा क्ले बच जाता है। उसका मैंने एक बार कभी ना कभी एक गोला बना दिया होगा एंड वो मेरे पास बचा हुआ था। आई थॉट क्यों ना इस बार उसको भी यूज किया जाए। इन केस ऑफ यू गाइस आर वंडरिंग कि यहाँ पे बना क्या रही हूँ, तो ये एंड में बनी गई फ्रिज मैग्नेट एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ चार सदस्य मेरे फैमिली के। चलो मिलाती हूँ आपको सबसे। सबसे पहले है मेरी मम्मा, हेलो गाइस। देन हूँ मैं, हाय गाइस। देन है मेरा भाई, हेलो। देन है मेरी डैडी, हेलो बच्चों। अच्छे से सारे कलर्स तो अप्लाई कर लिए बट डार्क कलर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं वापस से एक्रेलिक कलर्स की हेल्प से ब्राउन कलर बना के सबके बालों पे कलर अप्लाई करूंगी। एंड यार सच बताऊं, क्या मैं चाहती थी कि मेरा फ्रिज मैग्नेट थोड़ा पर्सनल लगे, दैट इज व्हाई मैंने अपने खुद के फैमिली मेंबर्स बनाया। अबे यार, जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक नहीं है, सो यहाँ पे भी मैं अपने एक्रेलिक कलर्स को यूज करके व्हाइट एंड ब्लैक कलर की कमी को पूरा करूंगी। व्हाइट एंड ब्लैक आ जाओ यार। अगर मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट मार्कर भी होता तो मेरी जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो जाती, पर अपने को डरने का नहीं। ओके, अब मैं हम सबके फेस कंप्लीट करूंगी। मम्मा कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है यार। यार मैग्नेट तो बन गया है बट इसमें ना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि जो इसके ये एंडिंग्स है ना ये काफी ज्यादा सड़ेल लग रहे हैं। सड़ेल? हाँ। सो अब मैं इनको भी कवर कर रही हूँ मार्कर्स की हेल्प से। दिस इज व्हाट द फाइनल पीस लुक्स लाइक। अब मुझे इसमें वार्निश का एक कोट अप्लाई करना है एंड देन वी आर नॉट डन। 5 मिनट का काम है इसमें, बस मैग्नेट शीट स्टिक करनी है। सो ये शीट मैंने 2 साल पहले ली होगी 100 रुपीज की, ये बची हुई थी, सो आई थॉट इसी में राउंड शेप कट करके इसको स्टिक कर देते हैं एंड देन वी आर डन। गाइस ये कितना क्यूट एंड प्यारा सा लग रहा है। Now moving on with our third piece. पता नहीं मुझे घर के किस कोने से ये चीज मिली and then I was like, yeah, I can paint on this. छी 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 छी। Oh my God, अभी भी एक पेन पड़ा हुआ है। Anyway guys, ये काफी खराब हो चुका है and इसकी बैटरी भी लीक हो चुकी है। This is of no use. We will just paint on this dabba and let's see क्या बनता है। So यहाँ पे भी I'm thinking of a very basic and simple design जो कि आप लोग बहुत easily recreate कर सकते हो। So what I'm gonna do is मैं यहाँ पे सातों के सात कलर यूज करने वाली हूँ।
बिकॉज आई लव कलर्स एंड यू गाइज ऑलरेडी नो इट. एनी वे मैं यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा पैटर्न बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैं एक गाना सोची हूँ जो कि हो सकता है देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला. क्योंकि यहाँ पे रंगीन रंगों का इस्तेमाल करके मैं इस डब्बे को कंप्लीट करूंगी. काफी शानदार लग रहा है अभी तक तो, आगे आगे देखता है होता है क्या. यार मुझे पॉस्का मार्कस काफी ज्यादा शानदार धमाकेदार एंड मजेदार लगे. पता नहीं मुझे इनके बारे में पहले क्यों नहीं पता था. आई जस्ट विश काश मैंने पहले यूज करती. मतलब दे आर सो 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 गुड. बट हाँ द पॉइंट इज ये थोड़े एक्सपेंसिव है. मतलब 1800 के साथ मार्कस इज अलॉट बट ऑफ कोर्स द क्वालिटी इज अमेजिंग. यहाँ पे नाम है एक्सप्लोर लिख रही हूँ यूजिंग माय एक्रेलिक पेंट्स बिकॉज ऑफ कोर्स. एंड वंस दैट इज डन यहाँ पे मैं वार्निश का एक कोट अप्लाई करूंगी. सो गाइस स्टील का सड़ा सा डब्बा जो कि ऐसा लगता था अब ऐसा लगता है. प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं इस डब्बे को किस चीज के लिए यूज करूँ. क्या मैं इसको एक्सेसरीज के लिए यूज करूँ, स्टेशनरी के लिए यूज करूँ या बस ऐसे ही छोड़ दूँ इसको, बता दो प्लीज. नाउ मूविंग ऑन टू अ फाइनल पीस. यहाँ पे मैं सोच रही थी यार हमने अब ऑलमोस्ट हर मीडियम को तो ट्राई कर लिया बट हमने एक बेसिक मीडियम नहीं ट्राई किया विच इज पेपर. यार सो आई वॉज थिंकिंग क्यों ना मैं ब्लैक पेपर के ऊपर ट्राई करके देखूं कि क्या ये मार्कर वर्क करेगा कि नहीं. चलो ये भी देख लेते हैं. एनीवे गाइस मूविंग ऑन, ये ना एक स्टिकर बनने वाला है एंड ऑफ कोर्स इसका बैकग्राउंड ब्लैक है तो आई एम थिंकिंग क्यों ना मैं इसे स्पेस बनाऊ. बाय द वे यहाँ पे मैं प्लैनेट्स को भी काफी ज्यादा रंगीन बनाऊंगी क्योंकि यार रंगों से हमें प्यार है. ओके कुछ भी, ये काली काली रातें तुरुरू तुरुरू ये रंगीन रंगी प्लैनेट्स. कितना गंदा था ये भाई. मूविंग ऑन, इसमें भी मैं छोट मोट डिटेलिंग्स ऐड करके इसको भी रफा दफा कर दूंगी क्योंकि हो गया यार. इससे ज्यादा कितनी डिटेल्स ऐड करें यार एक नन्हे से छोटे से स्टिकर पे. सुनो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैं एक और स्टिकर बनाने वाली हूँ सेम प्रोसेस को फॉलो करके. बस उसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा, ऐसे ब्लैक पेपर नहीं होगा. एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक आइसक्रीम बिकॉज आई रियली लव आइसक्रीम. इसी पर्पल कलर की आइसक्रीम से याद आया आप लोग के लिए एक चैलेंज है. जिस दिन इस वीडियो में 20,000 लाइक्स एंड 7,000 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन वीडियो आ जाएगी BTS से रिलेटेड. बिकॉज काफी सारे आइडियाज है मेरे दिमाग में BTS से रिलेटेड बट देन आई थॉट क्यों ना मैं आप लोग को एक चैलेंज दूं क्योंकि आप लोग तो मुझे चैलेंज देते हो जो कि मैं कंप्लीट भी करती हूँ बट इस बार आपकी बारी. तैयार हो? कमिंग बैक टू दिस, अब मैं इन दोनों स्टिकर्स को इस ट्रांसपेरेंट टेप से आगे और पीछे दोनों तरफ से कवर कर दूंगी एंड देन वी आर रेडी. अब आप इसे किसी भी ग्लू की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हो, डबल साइडेड टेप की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हो, आप कुछ भी यूज करके इसे स्टिक कर सकते हो बट इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने इसे लैमिनेट कर दिया यार. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में. इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताना. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय एंड यू नो इट राइट, आई लव यू गाइस.